कोरोना काल में आप आईसीयू शब्द को बहुत सुन रहे होंगे। ये बात सबको पता है कि गंभीर स्थिति होने पर मरीज को इस वार्ड में भर्ती किया जाता है, लेकिन क्या आप आईसीयू वार्ड के बारे में पूरी बात जानते हैं? जैसे इसके अंदर क्या होता है, डॉक्टर कैसे इलाज करते हैं, क्या क्या सावधानी रखी जाती है, आखिर क्यों इसे गहन देखभाल इकाई कहा जाता है, इस वीडियो में हम आपको इन सब के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है आईसीयू। आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट किसी भी अस्पताल की एक ऐसी इकाई है जहां गंभीर रोगों से ग्रसित ऑपरेशन व ट्रामा के मरीजों का इलाज किया जाता है। इस वार्ड में बीमारी के हिसाब से न्यूरोसर्जिकल व मेडिकल आईसीयू अलग अलग होते हैं। ऐसे में इनकी मशीनें और चिकित्सा भी भिन्न भिन्न होती है। आईसीयू वार्ड को गहन देखभाल भी कहा जाता है। इससे तात्पर्य उन रोगियों को दिए गए विशेष उपचार से है जो गंभीर रूप से अस्वस्थ होते हैं और उन्हें 24 घंटे कड़ी देखभाल की जरूरत होती है। आईसीयू के साधन। आईसीयू में अपने किसी सगे संबंधी से जब आप मिलने जाते हैं, उन चीज़ों में से एक जो आपको चिंतित कर सकती है वह आपके परिवार के सदस्य से जुड़े उपकरण और मशीनों की संख्या है। आईसीयू में कई प्रकार के कई उपकरण होते हैं। इनमें वेंटिलेटर, हॉट मॉनिटर, फीडिंग ट्यूब्स, ड्रेन्स और कैथेटर मशीनें शामिल है जो जरूरत के हिसाब से मरीजों के इलाज में उपयोग में लाई जाती है। किन किन लोगों को पड़ती है आईसीयू की जरूरत? गंभीर सर्जरी के बाद रिकवरी के लिए मरीजों को आईसीयू की जरूरत पड़ती है। कुछ लोगों को गंभीर ट्रामा की वजह से यहाँ रखना पड़ता है, जैसे सड़क हादसों में गंभीर रूप से जख्मी हुए लोगों को। आईसीयू में विशेष रूप से प्रशिक्षित हेल्थ केयर पेशेवरों को नियुक्त किया जाता है जो मरीजों की देखभाल का काम करते हैं। यहाँ पर विशेष निगरानी उपकरण भी होते हैं। आईसीयू वार्ड में बहुत कम लोगों को मरीज से मिलने की अनुमति होती है। कैसे होती है मरीज की देखभाल? आईसीयू में मरीजों पर आईसीयू कर्मचारियों की एक टीम द्वारा बारीकी से निगरानी रखी जाती है और कई ट्यूबों, तारों और केबल्स द्वारा उपकरण से मरीजों को जोड़ा जाता है। आमतौर पर प्रत्येक एक या दो रोगियों के लिए एक नर्स होती है। जो मरीज स्वयं भोजन नहीं कर पाते हैं, उन मरीजों को तरल पदार्थ और पोषक तत्व या अन्य तरल पदार्थ देने के लिए कई ट्यूब लगाने की भी संभावना होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस तरह की और जानकारी युक्त वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।